संकल्प करे जो सुहावना जीवन बने उसका आसान, अंधेरों को दिया दूर करे ऐसे अपनी सोच से, कर समस्या का समाधान, कर समस्या का समाधान, प्रश्न आपका उत्तर हमारा, प्रश्न आपका उत्तर हमारा। आइए इस महफिल में स्वागत है प्यारा प्यारा, आइए इस महफिल में स्वागत है प्यारा प्यारा, स्वागत है प्यारा प्यारा।
शांति। ब्राह्मण जीवन सबसे श्रेष्ठ और उत्तम जीवन है। कलयुग का जाना, सतयुग का आना और संगम का सुख पाना उन बच्चों का श्रेष्ठ भाग्य है जो परमात्मा को पहचान लेते हैं। परंतु 63 जन्म का जो कर्म है विकर्म के रूप में बदल गया, पाप कर्म हो गया, अनेक प्रकार की दुख उलझनों से उलझते रहे, कितनी सारी बातों से हम अपने आप को खुद दुख देते रहे। वो जो आदत सारी पड़ी है, संगम युग में परमात्मा हम बच्चों को दिव्य ज्ञान देकर परिवर्तन कर रहे हैं। फिर भी हमारे जीवन में अनेक समस्याएं विघ्न आते हैं। तो आप सभी भाई बहने आज अपना प्रश्न का उत्तर पूछेंगे और उत्तर आपको सहज रूप से परमात्मा के ज्ञान के चिंतन के हिसाब से आपको दिया जाएगा। और उसके लिए आपको क्या पुरुषार्थ करना है वो भी कुछ बातें बताएंगे, क्योंकि मैं जो भी सुनाऊंगा अपने अनुभव से 31 सालों से जो मैं अनुभव कर रहा हूं परमात्मा के साथ का, और उसके साथ जीवन में आए हुए विघ्नों को कैसे पार करते हैं, और इन सारी बातें हमारे जीवन में किसी ना किसी से किसी बात से जुड़ा हुआ है, किसी संबंध से जुड़ा हुआ है। तो हमें अपने जीवन में जो प्रश्न होता है वो किसी ना किसी समय काम आ जाएगा, जिसका उत्तर आज हम पा रहे हैं। तो चलिए, सबसे पहले हमारे सामने प्रश्न आया है कि मैं बहुत सालों से ज्ञान में चल रही हूं, लगभग 69 ईयर हो गया, लेकिन अभी भी मुझे अमृत वेला उठने में तकलीफ होती है। नुमासाम योग करती हूं, चलते फिरते बाबा को याद करती हूँ, मुरली सुनती हूँ, लेकिन अमृत वेला उठना बड़ी मुश्किल होती है। ये सिर्फ माता जी का प्रश्न नहीं है, ये कईयों का प्रश्न है। तो सबसे पहले हम ये कहना चाहेंगे कि ब्राह्मण जीवन में जो मैंने कहा कि संगम युग, सतयुग का आना और कलयुग का जाना, ये बीच का सुनहरा समय संगम युग हमारे लिए वरदान है, और उस वरदान को प्राप्त करने के लिए हमें अमृत वेला का समय बहुत ही महत्व रखता है। अब बातों को ध्यान रखेंगे, जिस चीज को हम इम्पोर्टेंट देते हैं कि भाई इंटरेस्ट होता है जिस चीज को करने के लिए, हमारे पास समय ना हो तो भी हम उसे करने लग पड़ते हैं, टाइम निकालते हैं, समय निकलता है। सबसे पहले अमृत वेला का महत्व को हमें समझना पड़ेगा कि संगम युग पर अनमोल खजाने, हीरे रत्न जो बाबा ज्ञान दे रहे हैं, लेकिन वरदान के रूप में जो हमारे 2500 साल कहो या पूरे 5000 साल हमारे जीवन को मदद करने वाली जो बातें हैं बाबा हमें सिखा रहे हैं, वो अमृत वेला शक्तिशाली योग में हम परमात्मा से प्राप्त कर सकते हैं। दिन भर भले हमें कितनी शक्तिशाली योग अभ्यास कर रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं, परंतु जब हम अमृत वेला हम बाबा से योग लगाते हैं, क्योंकि उस समय का वातावरण हमारे लिए
अति शक्तिशाली पवित्रता भरी हुई जो घड़ियां होती हैं वो हमारे लिए है। हम जो संकल्प करते हैं वरदान के रूप में हमें परमात्मा हमें दे देते हैं। इसलिए सबसे पहले तो अमृत वाला जब हम करते हैं तो उसमें व्यर्थ चिंतन ना करें, मेरा क्या खो गया, क्या नहीं हो रहा है, नहीं। जो मुझे परमात्मा से शक्तियां मिल रही है, खजाना मिल रहा है, उसके बारे में चिंतन करें। आप जो पाना चाहते हैं उसके बारे में चिंतन करें। और ये तभी हो सकता है जब हम अमृत वेला का महत्व को समझ के महत्व देंगे, क्योंकि अमृत वेला ऐसी शक्तिशाली घड़ी है जो हमारी बीमारी को खत्म कर सकती है, जन्म जन्म के विकर्म विनाश करने के लिए जल्दी वो शक्ति हम प्राप्त कर सकते हैं। तो अमृत वेला इतना सुंदर समय है जो प्रभु मिलन का अनुभव बहुत सुंदर होने लगता है। और उसी समय पर आप जो संकल्प करते हैं परमात्मा मिलन में, वो आपको जल्दी स्वतः ही प्राप्त हो जाती है। मतलब आप दिन में अगर योग करने के लिए टाइम रखते हैं एक एक घंटा, अपने 21 दिन का योग रखा दिन में, लेकिन अमृत वेला अगर 21 दिन आपने कर लिया कोई संकल्प लेके, उससे ज्यादा शक्तिशाली और जल्दी प्राप्त होती है। तो इसलिए अमृत वेला महत्व जब हम समझ जाते हैं उसका मूल्य क्या है, तब हमें अपनी ओर खुद को तैयार करते हैं कि अमृत वेला करना ही है। अब दूसरा प्रश्न आया है हमारे पास कि परिवार में रहते हैं लेकिन आपस में बनती नहीं है। आज बहुत सारी बातें हैं, परिवार में अगर 5 लोग रहते हैं, 6 लोग रहते हैं, 10 लोग रहते हैं या 2 लोग भी रहते हैं, बहुत सारी समस्या ऐसी बात है जो मुझे पसंद है वो उनको पसंद नहीं, या मेरी कोई बातें जो किसी को पसंद नहीं आती है, या किसी की बात मुझे पसंद नहीं आती है, तो इन सब से छुटकारा कैसे पाएं और पुरुषार्थ में कैसे आगे बढ़ें। किसी फरिश्ता ने पूछा है कि हमारी किसी से बनती नहीं है, मैं क्या करूं, और मैं ज्ञान में 3 साल से चल रही हूं लेकिन हमारे परिवार में किसी से बनती नहीं है। तो सबसे पहले बाबा ने जो हमें शिक्षाएं दी है इसका उत्तर यही है कि साक्षी दृष्टा को अपनाना होगा, कि सृष्टि रंग मंच पर सभी अपना अपना पाठ बजा रहे हैं, मुझे भी अपना सुंदर पाठ बजाना है। अगर कोई व्यक्ति क्रोध कर रहा है या मेरी अवगुण की चिंतन करके किसी को बता रहा है, वो बदबू फैला रहा है, लेकिन मैं अपनी अवगुण को फिर से अपने अंदर ना भरूं, वो अपने पाठ बजा रहा है, आप उसको दुश्मन मत समझे, वो अपना कर्म कर रहा है, वो आत्मा कर रही है, लेकिन मुझे उस बातें पर नहीं जाना है। अगर वो बोल रही है, बोल रहा है कि मेरे अंदर ये अवगुण है तो मुझे परिवर्तन कर लेना है। सहज और शक्तिशाली तभी हम बन पाएंगे, पुरुषार्थ में आगे बढ़ पाएंगे। अगर मेरे अवगुण को किसी ने किसी को बोला और उसने मुझे बोला तो यहां ही संबंध खराब हो जाता है। हो सकता है कि आपकी गलती नहीं हो, और हो भी सकता है आपने गलत किया हो या गलत हुई हो या गलतियां हैं आप में, लेकिन इसको परिवर्तन करना, स्वयं को परिवर्तन करने के लिए लक्ष्य रखें। सृष्टि रंगमंच पर सबका अपना अपना पाठ है, लेकिन ये तो ज्ञान है, प्रैक्टिकल में हमें कैसे अनुभव होगा। देखिए इस चीज में सबसे पहले आप जीवन में क्या पाना चाहते हैं, सुख पाना चाहते हैं, दुख पाना चाहते हैं। अगर जान बूझ के हम कांटे पे पैर रखेंगे, मतलब दुख पाना चाहते हैं। अगर हम सुख पाना चाहते हैं तो कांटों की राहों में नहीं चलेंगे।
तो कोई अगर हमारी अवगुण चिंतन कर रहा है, मतलब वो कांटे की, दुर्गंध की, दलदल की राहों पे चल रहा है या मुझे चलने के लिए अग्रसर कर रहा है, मुझे नहीं चलना है उसमें, अवगुण की चिंतन नहीं करना, जो मेरा कर रहा है कर रही, कोई बात नहीं, मुझे सुख पाना है। सृष्टि का समय नहीं है, बहुत कम समय है। किसी ने पूछा है कि सृष्टि का कितना समय है, ये तो भविष्यवाणी बहुत सारे हम सुन चुके हैं। देश विदेशों में बहुत बड़े बड़े विद्वान लोग भी भविष्यवाणी कर रहे हैं, लेकिन हम प्रैक्टिकल में देखें कौन क्या कह रहा है वो छोड़ दें। प्रकृति का किस तरीके से भीषण परिस्थितियां, आज मानव जाति में किस प्रकार से हिंसा, आज चारों तरफ वातावरण कैसे भय का बना हुआ है। ऐसी स्थिति में हमें क्या करना चाहिए? अगर मुझे सुख पाना है तो सबसे पहले मुझे स्वयं को परिवर्तन करना पड़ेगा। अगर मैं चाहता हूं मेरे सबके साथ संबंध अच्छा हो, तो सबसे पहले अपनी बोल को सुधारें। मीठा बोल, मीठी वाणी हो, इतना प्यार से बोलें जो बिगड़ा हुआ आदमी सुधर जाए। प्रकृति अगर तूफान लेके आ जाए, आपकी मीठी वाणी मीठे संकल्प से परिवर्तन हो जाए, तूफान तोहफा बन जाए। तो जिससे आपकी नहीं बन रही है, अगर आप अपने आप को बदल लेते हैं, देवताई जैसी आपके अंदर शक्तियां और गुण आ जाते हैं, वो आपको करना होगा। मीठी दृष्टि, मतलब कोई कुछ बोल रहा है कुछ कर रहा है, हमें उसे शीतल शुभ भावनाओं की दृष्टि में देखना है, ये तो करना होगा। आप कहेंगे नहीं हो रहा है, कैसे होगा? नहीं, अभ्यास करनी होगी, क्योंकि मुझे पाना है सुख, मुझे दुख में नहीं जाना है, दलदल में घिसटना नहीं है, कांटों में पैरों को चुभाना नहीं है, अंधकार में नहीं जाना है। अभी मैं उजाला की तरफ जा रहा हूं, तो मुझे अच्छे कार्य करने, ये लक्ष्य बनाना होगा। तभी देखिए, आप जब अपने जीवन में आचरण दिव्य गुण, व्यवहार में कुशलता, नम्रता, सदा अपने संकल्प में, व्यवहार वाणी में, जितना आप मीठा बनाएंगे अपने जीवन को, सबके साथ बनती जाएगी आपकी, अच्छी बनेगी, चाहे कोई कैसे भी हो, लेकिन आपके लिए वो अच्छा बन जाएगा, भले उसके संस्कार कितने भी खराब हो, सदा नेगेटिव बोलने वाला हो, लेकिन जैसे ही आपके पास आएगा, जब आप सुगंधित फूल बन जाएंगे, तो आपके पास वो भी खुशबूदार लेते हुए खुशनुमा जीवन का अनुभव करेगा। उतना समय आपके पास, क्योंकि वो पुरुषार्थ करने के बाद उसका संस्कार बदलेगा, लेकिन जब आप अच्छे बन जाएंगे, अपने आप को सुधार लेंगे, आपका सबके साथ बनेगा। अभी तीसरा प्रश्न हमारे पास आया है, बहुत सुंदर, इन्होंने लिखा है, लोगों का मन को शांति नहीं है, इच्छाएं पूरी नहीं होती। आप लोगों का पूछ रहे हैं या अपनी पूछ रही हैं? सबसे पहली बात बताएं, असंसार में हर एक आत्माएं अतृप्त है। जिसके पास साधन है, जिसके पास धन है, जिसके पास स्वस्थ है, वो भी दुखी है। संसार में सुख पाने का एक ही मात्र साधन है तपस्या। और कौन सी तपस्या? घर गृहस्थ में रहकर अपने आप को योगी जीवन बिताना, शुद्ध जीवन बनाना, शुद्ध अन्न, शुद्ध आचरण, पवित्र दृष्टि, मतलब राजयोगी जीवन, जो मैंने सबसे पहले कहा ब्राह्मण जीवन। क्योंकि धरती पर परमात्मा आ चुके हैं सृष्टि को परिवर्तन करने के लिए। इस संसार में इच्छाएं कभी भी पूरी नहीं होगी, माया का अनेक रूप है, अनेक प्रकार की इच्छाएं वो उत्पन्न करेगी, दिखाएगी, लेकिन अगर परमात्मा की याद में आप मग्न हो गए, परमात्मा के प्यार की किरणों को, शांति की किरणों को, आनंद की किरणों को अपने अंदर समा लिए, भरपूर हो गए, तो दुनिया की इच्छाएं समाप्त हो जाएगी और आप संतुष्ट आत्माएं हो जाएंगे।
एक बात कहा हुआ है कि जो करेगा सो पाएगा। आपने कहा लोगों की इच्छाएं पूरी नहीं होती। आप अपने आप को देखें कि आपकी इच्छाएं कितनी हैं, लोगों को देखना छोड़ दें। अगर आप अपनी इच्छाओं को कम करेंगे तो अच्छा बनना आपका लक्षण दिखाई देगा। आपको कहने की जरूरत नहीं पड़ेगी, लोग कहेंगे कितना अच्छा है, कितना अच्छा है, वाह। क्योंकि इच्छाएं आपने समाप्त कर दी, वो इच्छाएं, सिर्फ एक इच्छा रख लें कि मुझे परमात्मा से सब कुछ प्राप्त करनी है। ये आप लिख के रख लें, भले कागज पर भी लिख कर रख सकते हैं कि मुझे परमात्मा से सब कुछ प्राप्त करना है उनकी यादों से। क्योंकि परमात्मा की यादें इतनी शक्तिशाली है, वो जादुई शक्ति है। संसार में कोई भी वस्तु, कुछ भी आप प्राप्त कर सकते हैं, लेकिन आपको मांगने की जरूरत नहीं है, आपको सिर्फ तपस्या करनी है और प्राप्त करनी है। क्योंकि भगवान हमारा साथी है, वो मदद करने के लिए कदम कदम पर इस संगम पर स्वयं उतर के परम धाम से अपने पास आ गया है। तो जितनी चाहिए शक्ति ले ले, जितना हम याद करेंगे उतनी शक्तिशाली बनेंगे और उतनी हमारी इच्छाएं संतुष्टता की ओर चला जाएगा। अभी चौथा प्रश्न आया है हमारे सामने, रात को नींद नहीं आती है, बहुत संकल्प चलते हैं, क्या करें भाई जी? आज के समय पर जिस प्रकार से भगवान जो कहते हैं कि ये रावण की दुनिया है, रावण ने जिस प्रकार से जाल बिछाया है साधनों की, अनेक विकृतियां की, बहुत सारी बातें, हम साधन से सेवा भी कर सकते हैं, लेकिन माया ऐसे घुमा के चक्कर में ले आती है जो हमारे सबसे पहले संकल्प खराब हो जाते हैं। दिन भर हम क्या देखते हैं, क्या सोचते हैं, क्या करते हैं, कभी अपने आप को झांकते हैं? जिस प्रकार कहीं जाते हैं आते हैं तो आईना में अपने चेहरा देख लेते हैं कि मेरी आईब्रो ठीक है, मेरे चेहरे पे कोई मिट्टी, कोई दाग, कोई ऐसे तो नहीं लगे, उसको सफाई कर लें, धुलाई कर लें, मेरे बाल ठीक है, थोड़े कंघे कर लें। कहने की बात है, जिस प्रकार इस शरीर को हम संवारते हैं, तो मैं जो आत्मा दिव्य गुणधारी सत्य में देवता बनने वाली हूं, तो क्या मैं अपने आप को चेक कर रहा हूं? क्योंकि दुनिया के जो व्यर्थ बातें हैं वो हमारे संकल्प में आने के कारण बहुत सारी टेंशन तनाव पैदा करती है, जिसके कारण रात को नींद नहीं आती है। ऐसे नहीं कि इसी जन्म की बात है, कई जन्मों से हमने व्यर्थ को मन में स्टॉक करके रखा है। तो वो व्यर्थ को समाप्त करने की तरीका क्या है? सबसे पहले अपनी आदत को बदलना होगा। आप मोबाइल देखते हैं, देखें, जरूर देखें, लेकिन क्या देखना है? लेकिन धीरे धीरे क्या होता है, हम चाहते तो है मुरली पढ़ना, दूसरी चीज चले जाते हैं। कईयों का अनुभव है कि भाई जी हम तो देखते हैं, लेकिन देखते देखते कभी कभी हम कहीं और गुम हो जाते हैं। तो सबसे पहले अपने आप को परिवर्तन करना होगा कि स्वयं भगवान मुझे अपार खजाना देने आए हैं और मैं व्यर्थ को भर रहा हूं? नहीं। जिस प्रकार ये चेहरे की सफाई रखते हैं, इसी प्रकार मन की सफाई रखना जरूरी है। व्यर्थ चीज को जो आएगा हमारे सामने, चाहे लिंक आए, कोई भी आए, मोबाइल से हमें ग्रहण नहीं करना है। आजकल तो स्टडी करना बहुत कम हो गया है। अगर समय मिलता है, लक्ष्य बना के किताब पढ़ना शुरू करें, अच्छे किताबों को,
मुरली जो पेपर में आते हैं उसको भी पढ़ना शुरू करें। जो साधन हमें व्यर्थ की ओर ले जाते हैं, जितनी आवश्यकता है उतना यूज करें सेवा के कारण, क्योंकि मैं विश्व कल्याणकारी आत्मा हूं, मुझे संसार की सृष्टि की कल्याण करनी है। कहीं मैं भटक तो नहीं रहा हूं, कहीं मुझे कोई भटका तो नहीं रहा है। इन सब बातों से जब हम अपने आप को बदलेंगे, अर्थात पॉजिटिव की ओर ले जाएंगे, अभ्यास करेंगे। और एक बात मैं हमेशा कहता हूं कि सुबह से शाम तक अपने चेहरे पर मुस्कुराहट रखें, ऐसे नहीं व्यर्थ को देखते हुए मुस्कुराहट रखें, नहीं, बाबा की याद में मुस्कुराहट रखें, तो यह व्यर्थ का जो हम पर बार होता है तो इसके लिए कवच बन जाएगा आपकी मुस्कुराहट। इसलिए भगवान हम बच्चों को आके बोलते हैं, सबसे पहले मीठे बच्चे, तो मैं मीठा बच्चा बनूं, तो दिन भर के अभ्यास, शुभ संकल्प और अच्छी स्टडी, बाबा की याद, इतने सारे मेडिसिन जो है, आपको नींद आएगी और गहरी नींद आएगी, आपके माइंड रिलैक्स हो जाएगी और किसी प्रकार की तकलीफ नहीं होगी। इन आदतों को आपको बदलना होगा। अभी और एक प्रश्न आया है, भाई जी इस जीवन से बहुत डर लगता है कि कब क्या होगा, संसार में अनेक प्रकार की बीमारियां, संसार में अनेक प्रकार के दुख का वातावरण, मेरा क्या होगा। इसके लिए एक बात आपको ध्यान रखना होगा कि अगर 7 दिन इसका अभ्यास करेंगे, आपका भय निकल सकता है, निकल जाएगा। लेकिन 7 दिन के अंदर आप जब आपकी आंखें खुली हो, मतलब जब आप श्रेष्ठ करते हैं उसके सिवाय, अपने आप को इशारा दें कि मैं एक शुद्ध पवित्र अजर अमर अविनाशी आत्मा हूं। ये लाइन को भी लिख सकते हैं आप, मैं एक शुद्ध पवित्र अजर अमर अविनाशी आत्मा हूं। आप इस लाइन को 7 दिन तक कितने बार दोहरा सकते हैं, 1 दिन में कितने बार दोहरा सकते हैं, संकल्प है, चाहे तो लिख भी सकते हैं। जब आप ये लिखेंगे अपने मन को, अंतर मन में ये शब्द जाएगा कि मैं एक अजर अमर अविनाशी आत्मा हूं। जब अजर अमर अविनाशी आत्मा है तो मृत्यु का भय कैसा, ना कोई आत्मा को मार सकता है, ना कोई जला सकता है, ना कुछ उसका कोई भी अनिष्ट कर सकता है, कुछ नहीं कर सकता है। तो आप अपने डर को निकालने के लिए सबसे पहले आत्मिक स्थिति में स्थित हो जाएं कि मैं ज्योति बिंदु, चमकता हीरा, शुद्ध पवित्र मस्तक के बीच में, यहां अनुभव करेंगे त्रिकुट के बीच में मैं ज्योति बिंदु आत्मा। अगर आप इसके अभ्यास करते हैं 7 दिन के अंदर, जो भी डर है, हो सकता है पिछले जन्म के भी कोई बातें मेमोरी में रहा होगा जिसके कारण डर लगता है बचपन से, 21 दिन का अभ्यास करें, मैं अजर अमर अविनाशी। लेकिन आप जब भी अभ्यास करें, अनुभव करें, चेहरे पे मुस्कुराहट जरूर लाएं। अगर आप सीरियस होकर करेंगे मैं अजर अमर अविनाशी आत्मा हूं, तो हो सकता है और डर ज्यादा हो जाए। इसलिए अपने आप को अजर अमर अविनाशी, चमकता हीरा, शुद्ध पवित्र, मैं आत्म सितारा, यह अनुभव करें। आप देखिए आपके जीवन का डर निकल जाएगा, क्योंकि ये सिर्फ मेरा अनुभव नहीं, कई आत्माओं का अनुभव है। जब मैंने कहीं पे गया और क्लास कराया और उन आत्मा को अभ्यास दिया, ये बहुत डर लग रहा था, तो उन्होंने 7 दिन के अंदर सचमुच लगन से उन्होंने प्रैक्टिस की और सचमुच उनके जीवन में भय बहुत करके समाप्त हो गया है। तो इसी प्रकार से आप भी अगर आप इस अभ्यास को अपनाएंगे तो आपके जीवन में भी भय निकल जाएगा। अब और एक 6ठा प्रश्न आया हमारे पास, दुनिया कब तक चलेगी, जब तक आप जिंदा है तब तक आपके लिए दुनिया है, जब आप शरीर छोड़ देते हैं तो आपके लिए दुनिया नहीं है। तो दुनिया की फिक्र मत करें,
फिकर ये करे मैं जब तक हूं तब तक मेरी स्थिति, मैं क्या पा रहा हूं और मैं क्या लेके जाने वाला हूं और मैं क्या लेके आया था, इस बारे में चिंतन करें। ज्ञान का खजाना, सबसे बड़ा खजाना विद्या, ऐसा धन है, ज्ञान ऐसा धन है, जिसके पास ज्ञान है वो कभी भूखा नहीं रहता। यह भगवान का महावाक्य है, भगवान ने खुद बोला है और लौकिक में भी हमने सुना है, जिसके पास ज्ञान है वो कभी भूखा पेट नहीं रहता। तो परमात्मा का ज्ञान जितना हम स्टडी करते हैं, अपने अंदर लेते हैं, मैं बता दूं आप सभी को, ज्ञान मुरली हमारे हर सेंटर पर, वर्ल्ड में, भारत देश में, कोने कोने में, प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरी विश्वविद्यालय जो सेंटर है वहां पर रोज मुरली सुनाई, दीदियां मुरली सुनाते हैं और भगवान की वो महावाक्य है। तो उसको अगर हम अपने जीवन में भरेंगे तो जीवन को संपन्न और सुखद बना सकते हैं। और आपके मन में ये प्रश्न खत्म हो जाएगा कि दुनिया कब तक चलेगी। आप ये कहेंगे मैं जब तक जिंदा हूं, क्योंकि मौत किसी को कह के नहीं आती, दुनिया तो हमेशा रहेगी, सिर्फ परिवर्तन होगा। दुनिया का परिवर्तन कैसे होगा कि ये जो है द्वापर था, अभी कलयुग आ गया, कलयुग था अभी सतयुग हो जाएगा, सतयुग था फिर द्वापर हो, त्रेता युग हो जाएगा, त्रेता के बाद फिर द्वापर हो जाएगा, द्वापर के बाद फिर कलि, फिर संगम, इस तरीके से ये चक्र चलता रहता है। इसके बीच में जो परिवर्तन होता है, कुछ नए नए नजारे आते हैं, दुख के सुख के अद्भुत नजारे। और अभी हम जैसे रात होती है तो चारों तरफ काला काला अंधियारा, इसी प्रकार जब दिन होता है तो सूर्य के प्रकाश से उजाला। तो कलयुग है, दुख का समय है, इसलिए हम कहते हैं दुनिया कब तक चलेगी। भाई दुनिया तो चलेगी पूरी, मैं कब तक चलूंगा चलूंगी वो देखो। इसलिए अभी कर्म श्रेष्ठ करेंगे तो फल अच्छा पाएंगे, इस बात को बड़े ध्यान से। बहुत अच्छा प्रश्न है, बहुत सुंदर प्रश्न है, ये हर एक मन में ये प्रश्न आता है कि दुनिया कब तक चलेगी। दुनिया तो पूरी चलेगी, चलती रहेगी, ये चक्र है, घड़ी जैसे चलती रहती है ऐसे दुनिया भी चलती रहेगी, इसकी कोई प्रॉब्लम नहीं है। बस परिवर्तन होगा, उसमें दृश्य अलग अलग आते जाएंगे। अगला प्रश्न है, हमारे घर में इविल सोल आते हैं जाते हैं, हम क्या करें। 5 वर्ष से हम ज्ञान में चल रहे हैं लेकिन हमारे घर में कई ऐसी बुरी आत्माओं के निवास हैं जो आते जाते रहते हैं, उनके लिए क्या करें, निकल नहीं रहे। एक अनुभव मैं सुनाता हूं, महाराष्ट्र में एक जगह पर एक आत्मा ने शरीर छोड़ा, सुसाइड किया, अपने ऊपर तेल डाल के वो छिड़क के वो मर गई। वो आत्मा अभी जहां वो शरीर छोड़ा था वो घर छोड़ के सब लोग चले गए, क्योंकि वहां बहुत ऐसे भयानक स्थिति हो गई थी कि कोई ठहर नहीं सकता, बीमार पड़ते, तो घर को छोड़ के चले गए वो लोग, दूसरी जगह रहने लगे। अब उस घर में शाम के समय, जिस समय वो शरीर छोड़ा था वो आत्माएं, वो जो दर्द है, जो रास्ते में जाते हैं लोग उनको वो अनुभव होता है, अनुभव नहीं प्रैक्टिकल सुनाई देता है, बहुत जोर जोर से चिल्ला के आवाज आना, दुखों वाली, तो कोई उस तरफ देखता ही भी नहीं है, इस तरीके से वातावरण बन गया था। लेकिन हमारी बहनों ने देखा, सेंटर खोलना था, जगह नहीं मिल रहा था, इतना बड़ा शहर है, तो उन्होंने जगह, ये घर खाली पड़ा है, तो किसी को पूछा ये किराए में मिलेगा, तो उन्होंने कहा किराए में क्या, ये बेचना चाहते हैं पूरा। तो बोले क्यों, वो भी सस्ते में बेचना चाहते हैं लेकिन कोई खरीदता नहीं है ये। बोला कारण क्या है, बोला यहां भूतों की निवास है। बोला अच्छा, तो उन्होंने कहा कोई बात नहीं, मालिक को मिला दो, हम उनसे खरीद लेंगे।
तो वो व्यक्ति बहन जी को लेके गए और उस मालिक से मिला है। जो 1 करोड़ का मकान था उसका आधे से आधे रेट में देने के लिए तैयार हो गए, लेकिन उन्होंने कहा वो आपकी सुरक्षा अपने हाथ में, क्योंकि वहां बहुत सारी घटनाएं घट चुकी है। बहनें निश्चिंत, क्योंकि मेरे साथ कौन है? परमपिता परमात्मा, सर्वशक्तिवान, सभी आत्माओं के पिता। जब भगवान मेरे साथ है, डरने की क्या बात है? ये सोमान संकल्प, मेरे साथ मेरा बाबा है सर्वशक्तिवान, कोई भी शक्ति आपको कुछ नहीं कर सकती, बिगाड़ नहीं सकती आपकी। नशे और खुशी और संकल्प की ऊर्जा से आप पूरे संसार पर विजय प्राप्त कर सकते हैं, सिद्धियां प्राप्त कर सकते हैं। और वैसे भी भगवान ने हम बच्चों को चुना है कि मेरे यही बच्चे सुख शांति आनंद पवित्रता की किरणें एक एक आत्माओं को देनी है इनको, ये उसके लिए लायक है, काबिल है। जिस प्रकार से देश में उनको चुना जाता है जो लड़ाई कर सके, मजबूत है, तो हमारे अंदर भी वो काबिलियत है जिसके कारण भगवान ने चुना है। तो इसी नशे से बहन जी मकान खरीद लिए और रहने लगे। कुछ दिन तो हलचल चलती रही, सामान गिरता रहा, लेकिन जैसे जैसे हमारी दीदियों लोग योग करते गए, योग भट्टी रखे, योग करते गए, तो वहाँ के वातावरण शांति हो गई। एक दिन की बात है, वहाँ एक भाई आया जो कुछ तंत्र मंत्र जानता था, तो आते ही उसको लग गया कि यहाँ कोई आत्मा है। तो बीत चुके थे, बहन जी रहते हुए 5 साल हो गए थे अभी। तो बहन जी को पूछा गया कि यहाँ क्या अनुभव होता है आपको? बोला कुछ नहीं, सब कुछ ठीक है, 200 भाई बहन आते हैं, क्लास करके जाते हैं, बहुत आनंद में चल रहा है। तो भाई ने कहा यहाँ कोई आत्मा है? बोला नहीं, वो कभी होगी, लेकिन अभी मुक्ति मिल गई होगी। नहीं नहीं, अभी भी है। तो उन्होंने अपनी प्रक्रिया किया, किसी के अंदर उस आत्मा को बुलाया गया, वो आत्मा आ गई, शांति, कोई हलचल नहीं, कुछ नहीं। तो उन्होंने कहा तुम यहां क्यों हो? तो उसने कहा मुझे अच्छा लग रहा है। बोला कैसे? बोला हमारी बहन जी हमें मुरली सुनाती है, ज्ञान सुनाती है, शांति की अनुभूति होती है मुझे, इसलिए मैं छोड़ के नहीं जा रही हूं। क्योंकि इन्होंने एक्चुअली जो बहन जी थी वो शुरू में जब आई थी उनको एक कुर्सी डाल देती थी नियम के अनुसार, कि वो आत्माएं जो पहले हलचल करती थी उनको मुरली सुनाती थी, तो वो आदत पड़ चुकी थी। सचमुच कई सालों से मुरली सुन रही थी, उसके अंदर वो दूसरे के शरीर के अंदर प्रवेश करके आत्मा ने कहा कि मुझे अच्छा लग रहा है। बोला नहीं, आपको अभी जाना होगा, दूसरा जन्म लेना होगा, यहाँ से छोड़ना चाहिए आपको। बोला मैं तो छोड़ सकती हूँ, लेकिन मुझे कुर्सी दे देते, मैं बैठ जाती हूँ और प्यार करते हैं। मतलब किसी को भी प्यार करो, सत्कार करो, वो रहेगी, लेकिन आत्माओं को तो मुक्ति देना अभी जरूरी है। तो ऐसे तड़पती हुई कहने की बात यह है, उस समय से फिर योग किया गया, वो आत्मा मुक्ति मिल गई, चली गई। तो ऐसे संसार में जो भी आत्माएं हिसाब किताब के कारण हमारे पास आए हैं, घर में हो या बाहर में हो, कहीं भी हो, उन आत्माओं को सुख शांति आनंद पवित्रता की किरणें, और जितना हम योग करेंगे वो शक्ति बाबा से लेके जब हम देंगे, सर्वशक्तिवान संकल्प की, सर्वशक्तिवान बाबा मेरे साथ है, मैं मास्टर सर्वशक्तिवान आत्मा, मेरे मस्तक से, आंखों से, चारों ओर से दिव्य प्रकाश निकल रहा है। अगर वो आत्माएं यहां हैं उनको मिल रही है, ये संकल्प कर लीजिए कि उन आत्माओं को शक्तियां मिल रही है, शांति मिल रही है, शांति मिल रही है, उनको मुक्ति मिल रही है। अब देखिए वो आत्माएं चले जाएंगे, दुख का वातावरण समाप्त हो जाएगा। अगर आपने घर में है या और कहीं भी है तो आप 7 दिन, 11 दिन, 21 दिन का योग भट्टी रखिए, फिक्स कीजिए 1 घंटा कि उसी समय पर बैठ के योग करना है और उस आत्मा को खास सकाश देना है। और यह हमेशा अनुभव रखना है मुस्कुराते हुए कि भगवान मेरे मस्तक के ऊपर 1 फीट की दूरी पर निरंतर उनकी किरणें मुझ पर पड़ रही है और वही किरणें उस आत्मा तक पहुंच रही है।
सात दिन में भी उनको मुक्ति मिल सकती है, हो सकता है एक सेकंड में भी हो सकता है, या एक महीना हो सकता है। जितनी अपनी लगन होगी, जितनी शक्तिशाली संकल्प से बाबा से किरणें लेंगे और देते रहेंगे, उन आत्माओं को मुक्ति मिल जाएगी। वो आपके घर में बास नहीं करेंगे, क्योंकि आत्माओं का घर परमधाम है, उनको जाना भी बहुत ज़रूरी है, वो चले जाएंगे। अभी और एक प्रश्न आया, मैं बहुत बीमार हूँ और इस बीमारी से मुक्ति का कारण बताइए। आपका प्रश्न बहुत अच्छा है कि मैं बहुत ही बीमार हूँ, आ संसार में कोई तन से बीमार, कोई मन से बीमार, कोई धन से बीमार, बीमार बहुत सारी चीज़ों को तकलीफ देती है। और जो शारीरिक कष्ट होता है उसको सहन करना बड़ी मुश्किल होती है। हमारे जन्म जन्म के कर्म सब विकर्म हैं, क्योंकि भगवान ने कहा हुआ है जितना भी रीति रसम हम परंपरा निभाए उसमें हमारे पाप बनते गए, ये भगवान ने कहा है। चलिए छोड़िए, इस जन्म की बात हम करें, इस जन्म में हमने क्या किया है बचपन से अब तक, हमको भी पता नहीं, याद नहीं, भूल गए बहुत कुछ। किस कारण से हमें ये दुख मिला है या बीमारी हुई है ये तो छोड़ दीजिए, कारण नहीं ढूंढिए, अभी निवारण ढूंढिए। निवारण यही है कि अगर शारीरिक बीमारी किसी प्रकार से है, तामसिक आहार या कुछ भी हो, या कर्म बंधन या कुछ भी हो, सबसे पहले शुद्ध अन्न को धारण करें कि मुझे कभी भी अशुद्ध खाना नहीं खाना है, नित्य योग अभ्यास करना है, संकल्प में अच्छे विचार लाने हैं। हिसाब किताब तो चलते रहेंगे, बीमारियां आती रहेगी, कर्म भोग चलता रहेगा, लेकिन अगर आप अपने जीवन को योगी जीवन बना लेंगे तो ये सब होते हुए भी आपकी स्थिति आनंदमय रहेगा, क्योंकि जो बीज हमने बोया है उसके फल काटने ही हैं, और उस कर्म का फल मुझे ही मिलेगा, किसी और को नहीं। लेकिन इन फलों से हमें तकलीफ ना दे, आत्मा को महसूस ना हो दर्द के लिए, दर्द का, तो इसीलिए हमें परमात्मा की याद, दिव्य गुणों की धारणा, चेहरे पे मुस्कुराहट, अच्छे संकल्प की रचना, ये बहुत ही जरूरी है। और एक हाँ, हर समय अच्छे शब्दों की रचना करना जरूरी है, जैसे गीता में कहा गया है सब कुछ अच्छा हो रहा है। मैं अक्सर हर क्लासेस में जहां भी भट्टी कराता तो वहां सिखाता हूं बढ़िया। तो आप एक संकल्प हर समय, हर शब्दों में। मैं एक महाराष्ट्र की घटना सुनाने जा रहा हूं आप सभी को, कि एक जगह पर क्लास करा रहा था, एक माताजी का बहुत सिर में दर्द हो रहा था, माइग्रेन कहते हैं ना उसको, तो इतना दर्द हो रहा था। माताजी कहती है मैं क्या करूं, भट्टी में बैठना चाहती हूं लेकिन क्या करूं, नहीं बैठ सकती हूं। बहन जी ने उनको बुलाया, भट्टी में बिठाया, और पहले दिन हमारे जो क्लासेस होते हैं थोड़ा ज़्यादा लोग मुस्कुराते हैं, हंसने लगते हैं, खुशी मिलती है, तो माताजी भी खुशी में दो घंटे तीन घंटे में भूल गई। और उसके बाद जब दूसरी क्लास हुआ उसमें जब बढ़िया शब्द को हमने उच्चारण करवाया और उन्होंने किया, और सचमुच उस दिन से, और जो नीला रंग की किरणों की प्रयोग उन्होंने किया, उनकी माइग्रेन पूरा 3 दिन के अंदर ठीक हो गया था और आज तक नहीं हुआ, उन्होंने हमें बताया। तो कहने की बात है, हम जितना अच्छे विचारों को पैदा करेंगे हमारे शरीर स्वस्थ होने जाएगा। नेगेटिव विचार बीमार को खींचती है, जरा भी किसी चीज में नेगेटिव विचार को हम आने नहीं दें। अगर आ रहा है अरे छोड़ो उसको, मुझे कचरा लेके नहीं घूमना है, फेंको उसको, शुद्ध फूलो, माना फूल माना जैसे कहते हैं ना फूलो फूलो, फूल और फल, फूल सुमन, जैसे खुशबूदार बनना है, पुष्प बनना है, तो मुस्कुराते रहना है, संकल्प में भी मुस्कुराना है, मन से भी मुस्कुराना है, मतलब शुद्ध संकल्प की रचना करना है, और चेहरे से भी मुस्कुराना है। तो जो भी बीमारी है वो बीमारी नहीं लगेगी और धीरे धीरे आप स्वस्थ होने लगेंगे, क्योंकि कर्म के हिसाब किताब तो चुक्त करना ही है, लेकिन इनमें से आप उभर जाएंगे। अब और एक प्रश्न हमारे सामने आया है, हमारे घर में बच्चे, छोटे छोटे बच्चे हैं 5-6 जो बात बिल्कुल नहीं मानते। हमारे 2 बच्चे हैं
और घर में जॉइंट फैमिली है, उसमें और भी बच्चे हैं, और ये बच्चे बहुत तंग करते हैं, परेशानी करते हैं, योग लगाने नहीं देते हैं, बहुत सारी गड़बड़ होती रहती है, क्या करें उसके लिए? सबसे पहली बात है जो अभी मैंने कहा, अच्छे संकल्प की रचना। बच्चे तो बात नहीं मानेंगे, क्योंकि कौन सी जन्म की कौन सी क्या संस्कार है वो लेके आएंगे, वो अपना पार्ट बजाएंगे, अगर डांटेंगे मारेंगे तो और ही बिगड़ जाएंगे। आज के समय अनुसार जिस प्रकार से चल रहा है, अभी उन बच्चों को दिन भर जब आप अच्छे शब्दों की रचना करेंगे उनके मन में प्रभाव पड़ेगा। वो भले तोड़ रहे हैं, फोड़ रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं, आप चुप रहिए, दृष्टि दीजिए, डांटिए मत। उसकी अंदर वो दृष्टि में जो ताकत रहेगी, जो भर जाएगी, लेकिन उसमें रहेगी आपकी दृष्टि में शुभ भावना होगी कि ये परिवर्तन होने वाला बच्चा, उसको महसूस करने की शक्ति उसके अंदर पैदा कीजिए, तो आपका बच्चा परिवर्तन होगा। जो भी प्रॉब्लम है, ऐसे नहीं कि सिर्फ आपके घर की प्रॉब्लम है, ये बहुत सारी घटनाएं घटती है, बच्चों ने बहुत प्रॉब्लम खड़े कर देते हैं, लेकिन जो भी सीखते हैं, करते हैं, संस्कार लेते हैं, वो परिवार से। मैं कैसा हूं, मैं तो गुस्सा नहीं करती हूं, मैं तो गुस्सा नहीं करता हूं, मुझे देख के वो सीख तो नहीं रहे, हो सकता है अभी आप नहीं कर रहे हैं, पहले कर रहे हैं, तो उसका संस्कार बन गया है वो देख देख के। जैसे माँ बाप होते हैं बच्चे वैसे बनने लगते हैं, और कुछ संस्कार भी लेके आते हैं, तो इस जन्म में उसको परिवर्तन करने का आधार मेरा कर्तव्य है, तो मैं जितना दिव्य गुण धारण करूंगी करूंगा, तो देखिए धीरे धीरे उनके अंदर भी आने लगेगा। और उनको हमेशा मन में पॉजिटिव थॉट दीजिए, हम बड़े प्यार से कह देते हैं शैतान बेटा, जब खुशी होती है प्यार शब्द क्या दे रहे हैं, शैतान बेटा, तो शैतान बनेगा, संकल्प में जा रहा है उनका, बदमाश बेटा, इन शब्दों को जरा भी प्रयोग नहीं करें। अगर आप स्थूल रूप में डंडा मार रहे हैं, हाथ मार रहे हैं, उसको थप्पड़ मार रहे हैं, वो तो दिखाई देता है, लेकिन शब्दों की बाण जो मार रहे हैं ये दिखाई नहीं देता है, लेकिन उनके मन में गहरा असर करता है। मम्मी ने आज शैतान कहा मुझे, विचार चलता रहता है, अंतर मन में जाता है, दूसरे दिन उसी प्रकार से उसके शैतान की क्रिएटिविटी होने लगती है। सोमान देव, महावीर बच्चा, सपूत बच्चा, मेरा लाडला प्यारा बच्चा, अच्छा बच्चा, जितने अच्छे अच्छे संकल्प करते जाएंगे उनके मन में जाएगा, और धीरे धीरे बच्चे सुधरते जाएंगे, परिवार भी सुखमय आनंदमय होता जाएगा। अभी हमारे पास और एक प्रश्न आया है, सबसे पहली बात है जो अभी मैंने कहा, अच्छे संकल्प की रचना। बच्चे तो बात नहीं मानेंगे, क्योंकि कौन सी जन्म की कौन सी क्या संस्कार है वो लेके आएंगे, वो अपना पार्ट बजाएंगे, अगर डांटेंगे मारेंगे तो और ही बिगड़ जाएंगे। आज के समय अनुसार जिस प्रकार से चल रहा है, अभी उन बच्चों को दिन भर जब आप अच्छे शब्दों की रचना करेंगे उनके मन में प्रभाव पड़ेगा। वो भले तोड़ रहे हैं, फोड़ रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं, आप चुप रहिए, दृष्टि दीजिए, डांटिए मत। उसकी अंदर वो दृष्टि में जो ताकत रहेगी, जो भर जाएगी, लेकिन उसमें रहेगी आपकी दृष्टि में शुभ भावना होगी कि ये परिवर्तन होने वाला बच्चा, उसको महसूस करने की शक्ति उसके अंदर पैदा कीजिए, तो आपका बच्चा परिवर्तन होगा। जो भी प्रॉब्लम है, ऐसे नहीं कि सिर्फ आपके घर की प्रॉब्लम है, ये बहुत सारी घटनाएं घटती है, बच्चों ने बहुत प्रॉब्लम खड़े कर देते हैं, लेकिन जो भी सीखते हैं, करते हैं, संस्कार लेते हैं, वो परिवार से। मैं कैसा हूं, मैं तो गुस्सा नहीं करता हूं,
मुझे देख के वो सीख तो नहीं रहे। हो सकता है अभी आप नहीं कर रहे हैं, पहले कर रहे थे तो उसका संस्कार बन गया है वो देख देख के। जैसे माँ बाप होते हैं बच्चे वैसे बनने लगते हैं और कुछ संस्कार भी लेके आते हैं। तो इस जन्म में उसको परिवर्तन करने का आधार मेरा कर्तव्य है। तो मैं जितना दिव्य गुण धारण करूंगा तो देखिए धीरे धीरे उनके अंदर भी आने लगेगा। और उनको हमेशा मन में पॉजिटिव थॉट दीजिए। हम बड़े प्यार से कह देते हैं शैतान बेटा, जब खुशी होती है प्यार शब्द क्या दे रहे हैं शैतान बेटा। तो शैतान बनेगा, संकल्प में जा रहा है उनका, बदमाश बेटा। इन शब्दों को जरा भी प्रयोग नहीं करें। अगर आप स्थूल रूप में डंडा मार रहे हैं, हाथ मार रहे हैं, उसको थप्पड़ मार रहे हैं, वो तो दिखाई देता है, लेकिन शब्दों की बाण जो मार रहे हैं ये दिखाई नहीं देता है, लेकिन उनके मन में गहरा असर करता है। मम्मी ने आज शैतान कहा मुझे, विचार चलता रहता है, अंतर मन में जाता है, दूसरे दिन उसी प्रकार से उसके शैतान की क्रिएटिविटी होने लगती है। सोमानदेव महावीर बच्चा, सपूत बच्चा, मेरा लाडला प्यारा बच्चा, अच्छा बच्चा, जितने अच्छे अच्छे संकल्प करते जाएंगे उनके मन में जाएगा और धीरे धीरे बच्चे सुधरते जाएंगे, परिवार भी सुखमय आनंदमय होता जाएगा। अभी हमारे पास और एक प्रश्न आया है। एक बहन पूछती है कि मेरे को भविष्य को लेकर बहुत चिंता हो रही है, मेरी जॉब लेने नहीं लग रही है, तो मैं क्या करूं? मैं चाहती हूं बाबा का बन के रहूं और जॉब करूं। देखिए भगवान सबसे पहले धरती पर जब आए सबसे पहले कन्याओं को चुना ताकि इनके द्वारा संसार को परिवर्तन करना है। इसलिए सबसे पहले यज्ञ में ब्रह्मावा के द्वारा शिव बाबा ने ओम मंडली की स्थापना की जिसमें सिर्फ कन्याएं ज्यादा थे, क्योंकि भगवान को ये तो पता था कि इन बच्चों के द्वारा मुझे ज्ञानवान चला के रावण दुश्मन को अर्थात अज्ञान को खत्म करना है। इसलिए सबसे पहले ओम मंडली में कन्याओं को बाबा ने पालना दे के, श्रेष्ठ पालना, ऊंची शिक्षाएं देकर निर्माण किए। दादी दीदियां जिनके द्वारा आज प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरी विश्वविद्यालय पूरे विश्व में प्रख्यात है। किसके आधार पर हुआ? कन्याओं की। क्योंकि साधु संत सन्यासी जो हमने परंपरा से द्वापर से हम सुनते आए हैं कि नारी नर्क का द्वार है, लेकिन भगवान ने कहा नहीं, ये तो स्वर्ग के द्वार है। इसीलिए कन्याओं को चुन के उनको दिव्य ज्ञान देकर स्वर्ग का गेट खोल दिया है। आज जो भी कन्याएं हैं, जो भी बहनें हैं, उनको मैं बताना चाहूंगा, भगवान चाहता है कि आपके द्वारा, आपके मुख और दृष्टि से संसार को परिवर्तन करने के लिए चाहते हैं, वरदान देने के लिए चाहते हैं कि यही मेरा लाडली बच्ची जो फरिश्ता बन के, श्रेष्ठ आदर्श ब्रह्मा कुमारी बन के संसार को परिवर्तन करेगी। फिर भी हमारा लक्ष्य होता है मैं सहन नहीं कर पाऊंगी, सेंटर पे रह नहीं पाऊंगी, ज्ञान में चलना ठीक है, लेकिन मैं लौकिक जॉब करके अपना जीवन निर्वाह करके अपने पैरों पर खड़ा होके मैं बाबा की सेवा करनी चाहती हूँ। देखिए ये तो बहुत अच्छे विचार है, लेकिन उससे भी हजार गुना विचार है अगर आप बाबा का बन के सेवा करते हैं। बाबा का बन के रहना, बाबा का बन जाना और बाबा में समर्पित हो जाना, तीनों बात अलग है। क्योंकि लौकिक में भी अगर आप जॉब करते हैं तो कितनी परेशानियां आएगी, आपका जॉब नहीं मिल रही है, कई जगह इंटरव्यू देना पड़ रहा है, परेशानियां तो हो रही है, आप तो झेल रहे हैं, आगे भी हो सकता है जॉब भी मिल जाए, उसके बाद बॉस की बात सुनना, कितने सारे काम हार्डवर्क जिसके कारण भगवान को याद नहीं कर पाते कई लोग, जॉब मिलने के बाद परेशानियां, उसके बाद पैसे की चिंता, इतना तनख्वाह मिल रहा है, कई बातें होती है। लेकिन अगर बाबा के पास आप आ जाते हैं
सर्वशक्तिवान परमपिता निराकार ज्योति बिंदु, उनकी शिक्षाओं को जीवन में धारण करके उस ज्ञान को अगर आप अनेक आत्मा को सुनाते हैं, उस आदर्श जीवन बना के, तो समझ लीजिए ये हजार गुना सुख पाने की आप तैयारी कर रहे हैं। आप जो वो तरीका रास्ता ढूंढ रहे हैं, लेकिन उससे लाखों गुना ये अच्छा है। फिर भी आप अगर कहते हैं कि नहीं, मुझे जो भी करनी है उसके लिए रोज, क्योंकि ऐसे कई बातें मेरे सामने, आज से 20 साल पहले ही मेरे पास ये विचार आया था कईयों का, मैंने उनको समझाया और उनको जॉब तो मिल गई, लेकिन अभी भी वो परेशान हैं। जॉब तो मिल गई है, आपको भी जॉब मिल जाएगी, बस सुबह उठ के आंखें खोलते ही मुस्कुरा के परमात्मा का धन्यवाद करें और ये सोचे कि मेरे पास जॉब मिल चुका है, बहुत सुंदर, मेरे जीवन में सफलता ही सफलता है, सुख शांति समृद्धि भरपूर है, मुझे जॉब मिल चुका है। जो आप जॉब चाहते हैं, जैसे अंतर मन को संकल्प देंगे तो आपको वो चीज़ प्राप्त हो जाएगी। लेकिन इसके अलावा अगर यही संकल्प दें, उससे भी बहुत शक्तिशाली बड़ी प्राप्ति, कि मैं भगवान के बन के करोड़ों आत्माओं की सेवा करूं, बाबा को साथ रख के उनके अंगुली पकड़ के, या वो मेरी अंगुली पकड़े हुए हैं, मैं चलता चलूं, बस ये संकल्प करें। तो और भी एक प्रश्न आया अभी कि परमात्मा के साथ हम अनुभव तो करते हैं, लेकिन वो हमारे साथ हैं, कैसे एहसास करें कि बाप दादा मेरे पास आते हैं, कैसे एहसास करें। बहुत सुंदर प्रश्न है कि भगवान धरती पर आया है। मैं सभी को हर समय यही सिखाता हूं, भगवान जो कहते हैं कि तुम्हारा कर्म ही तुम्हारा फल है, अगर विकर्म किया तो दुख का फल मिलेगा, अगर सुख कर्म किया, शुभ कर्म किया, अच्छा फल मिलेगा। और सत्ययुग में ना प्लस था ना माइनस था, वो अकर्म था। तो अभी हम कर्म कर रहे हैं, लेकिन श्रेष्ठ कर्म करना है, तो उसके लिए परमात्मा को साथ अनुभव करने के लिए, कर्म माना क्या है, एक्शन, हर एक्शन का एक रिएक्शन होता है। जो हमने विकर्म किया, कर्म वाली, अब कोई भी, चाहे आंखों की पल के झपक रही है, नाक में सांस चल रही है, सिर से लेके पैरों तक जो भी हम एक्शन करते हैं वो कर्म होता है, एक्ट। तो हमने जो भी, जैसे क्रोध वाली एक्शन किया, लोभ वाली एक्शन किया, जो भी काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, जो भी एक्शन हम करते हैं वो आत्मा के ऊपर एक परत चढ़ जाता है। तो एक्शन का रिएक्शन। तो इसी प्रकार परमात्मा अभी सिखा रहे हैं एक्शन का रिएक्शन, अर्थात कर्म का फल। जब हम भगवान को साथ अनुभव करना चाहते हैं, सबसे पहली बात यह है कि निश्चय रखना कि हाँ, मैं संकल्प करता हूं तो भगवान मेरे पास आ ही जाते हैं, वाव, मेरे साथ है। क्योंकि निश्चय बुद्धि विजयंती, आपने देखा होगा भक्ति में दिखाया, प्रहलाद का निश्चय में अगर जरा भी अंश मात्र डिफेक्ट होता तो क्या वो जिंदा बचता? नहीं, हिरण्यकश्यप पे उसको मार देता। लेकिन उन्होंने कहा भगवान मेरा है, देखो दीवार को भी तोड़ दो तो मिल जाएगा, तोड़ा उसने, मिल गया। तोड़ने के लिए नहीं बोला उन्होंने, उन्होंने कहा दीवार के अंदर यहां भगवान है, हाँ है, तोड़ा और आगे भगवान। कहने की बात है निश्चय बुद्धि। मैं एक बात सिखाता हूं कि एक्शन का रिएक्शन, अपने हाथ ऊपर ले ले और मस्तक के ऊपर ऐसे ऐसे करें कि परमात्मा मेरे मस्तक के ऊपर है और 24 घंटे चमक रहे हैं, वाह कितना अच्छा लग रहा है। ये जब आप अनुभव करेंगे और ये संकल्प करना है कि 24 घंटे, कितने घंटे, 24 घंटे मेरे साथ बाबा रहते हैं, वो परम शिक्षक ज्ञान सूर्य, ज्ञान चंद्रमा, शीतलता की किरणें, पवित्रता की किरणें सब मुझे दे रहे हैं, मैं आत्मा भरपूर होती जा रही हूं।
तो देखिए धीरे धीरे आपको महसूस होगा कि हाँ सचमुच निराकार शिव बाबा मेरे मस्तक के ऊपर है। एक्शन करें एक बार, रोज सुबह उठ के ऐसे करें कि मेरे मस्तक के ऊपर शिव बाबा है। बाप दादा का अनुभव करने के लिए सोचें कि सूक्ष्म वतन में ब्रह्मा बाबा आ गए हैं मेरे पास, मेरे साथ साथ चलते हैं। ये संकल्प करना और उस पर निश्चय करना, विश्वास करना, आपको धीरे धीरे उस अनुभव एहसास की ओर ले जाएगा कि सचमुच मैं भरपूर आत्मा हूं। क्योंकि हमारी निश्चय बुद्धि ही विजयंती, जिन्होंने निश्चय रखा बड़े बड़े युद्ध जीत लिए, जिन्होंने निश्चय रखा तपस्या की बड़ी बड़ी सिद्धियां प्राप्त कर ली। तो हमें श्री भगवान के ऊपर निश्चय रखना है परमात्मा, तो हमें स्वतः ही अनुभव होगा कि स्वयं बाप दादा जिनके तन में आए हैं, ब्रह्मा बाबा और शिव बाबा दोनों मेरे साथ हैं। ब्रह्मा बाबा मेरे साथ में है, शिव बाबा मेरे मस्तक के ऊपर है कदम कदम। आज के प्रश्न उत्तर में जो प्रश्न था, डर निकल जाएगा, ये सारी बातें बस सब सफल होने के लिए परमात्मा का साथ का अनुभव कीजिए। फिर देखिए जीवन कितना सुंदर, आनंदमय, तृप्तमय, संतुष्ट, खुशियों से भरपूर हो जाएगा। आप मुस्कुराएंगे, आप खुशी से झूम उठेंगे। फिर बाबा जो चाहता है, परमात्मा जो चाहते हैं, उनके जो अरमान है कि मैं बच्चा, लाडला बच्चा, लाडली बच्ची, जग को रोशन करने वाले, तो देखिए ये संकल्प करें, देखिए आपके द्वारा परमात्मा अनेक प्रकार के चमत्कार कराएंगे, सारे प्रश्न समाप्त हो जाएंगे और आप सुखपूर्वक जीवन बिताकर अनेक आत्माओं को सुखी बनाएंगे, खुशी से झूम उठेंगे। और आप खुशी में रहेंगे तो प्रकृति भी, पूरे संसार सुखमय हो जाएगा, पूरे ब्रह्मांड सुखमय हो जाएगा। तो चलिए अभी 5 मिनट योग का अभ्यास करेंगे, उसके बाद एक सुंदर सा गीत हम गाएंगे, आप सब सुनेंगे, इसके साथ हम विदाई लेंगे। अगले बार आप जो भी प्रश्न करना चाहते हैं कमेंट बॉक्स पर कर दीजिए, ताकि अगले बार फिर से आपको आपके प्रश्न का उत्तर मिल जाएगा। आत्मिक स्थिति में स्थित हो जाइए, अनुभव करेंगे कि सर्वशक्तिवान परमपिता परमात्मा परमधाम से आकर मेरे मस्तक के ऊपर स्थित हैं। ओम शांति। भ्रुकुटी के मध्य में मैं संपूर्ण चमकता दिव्य शक्तियों से भरपूर अलौकिक शक्तियों से भरपूर मैं आत्मा हूं। मेरे पिता सर्वशक्तिवान परम पिता परम धाम से उतरकर मेरे मस्तक के ऊपर 24 घंटे के लिए स्थित हो गए हैं। शांति का सागर बाबा, सुख का सागर बाबा मेरे साथ हैं। अनंत शक्तियां मुझ आत्मा पर पड़ रही है। मैं आत्मा भ्रुकुटी के मध्य में चमकता दिव्य सितारा, संपूर्ण पवित्र पावन बनता जा रहा हूं।
मेरे पैरों की अंगूठे से लेकर शरीर के हर कण कण में, हर स्नायु कोशिकाएं संपूर्ण शुद्ध पवित्र बनते जा रहे हैं। कितना सुंदर अनुभव है। मेरे जीवन में खुशियां ही खुशियां, बाबा आपसे दिव्य शक्तियां, अनंत शक्तियां मैं आत्मा प्राप्त कर रही हूं। आप 24 घंटे मेरे साथ हो बाबा, चलते फिरते उठते बैठते आप हमेशा मेरे साथ रहते हो। धन्यवाद मेरे बाबा, आपने मेरा सुंदर जीवन निर्माण किया। कितना सुखद अनुभव कराया बाबा। दिल से शुक्रिया। तुमसे मिलके मेरे बाबा मिल गया मुझे आशियां, हम नबाओ हम सफर, एक तुम ही मेरी हो दुनिया। तुमसे मिलके मेरे बाबा मिल गया मुझे आशियां, हम नबाओ हम सफर, एक तुम ही मेरी हो दुनिया। तुम साथ हो तुम पास हो, तुम ही दिल का एहसास हो। दिल में है तेरी यादें, मन में है तेरी बातें, दिल में है तेरी यादें, मन में है तेरी बातें, सांसों में तेरी खुशबू, दिन हो चाहे रातें। तुम साथ हो
तुम पास हो, तुम ही दिल का एहसास हो। बाबा मेरे बाबा, बाबा मेरे बाबा, मेरे बाबा प्यारे बाबा, मेरे बाबा प्यारे बाबा, मेरे बाबा प्यारे बाबा, मेरे बाबा प्यारे बाबा। भटक रहे थे हम, ना था कोई सहारा, भटक रहे थे हम, ना था कोई सहारा। सुन के मीठी मुरली, तुम साथ हो, तुम पास हो, तुम ही दिल का एहसास हो। बाबा मेरे बाबा, बाबा मेरे बाबा, मेरे बाबा प्यारे 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 बाबा। ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति। नमस्कार। संकल्प करे जो सुहावना, जीवन बने उसका आसान। अंधेरों को दिया दूर करे ऐसे अपनी सोच से, कर समस्या का समाधान, कर समस्या का समाधान। प्रश्न आपका उत्तर हमारा, प्रश्न आपका उत्तर हमारा। आइए इस महफिल में, स्वागत है प्यारा प्यारा। आइए इस महफिल में, स्वागत है प्यारा प्यारा, स्वागत है प्यारा प्यारा।